दोस्तों सुन, मेरे लिए ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी। और वो सदन को जो दूसरा लड़का पसंद करता है ना, तो उसकी जो दोस्त होती है वो उसे कहते हैं, अगर तुम उसे पसंद करते हो ना तो यहाँ पे चुप करके चैन से बैठो, ना कि उसके पीछे भागो। अगर वो तुम्हें नहीं पसंद करती तो अगर तुम्हें पसंद करने लग पड़ेगी तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम उसके पीछे भाग रहे हो, मर रहे हो, इतना कुछ ना करो। तो सीधी सी बात, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो भाई जान सब्र करो, नहीं कर सकते तो फिर बैठे रहो, क्योंकि ऐसे तो नहीं कहते उसने तुम्हें मिलना। अगर वो तुम्हें पसंद करती होगी तो खुद ही कर लेगी, अगर नहीं करती है नहीं। वो कहता मुझे उसकी आंखों में नज़र आ रहा है कि उसे कोई 5 करोड़ की जरूरत थी कुछ, लेकिन 8 करोड़ की उसने मुझे बताया नहीं, और वो किसी बात तक गिर सकती है थी, वो यही कह रही थी। तो इसलिए वो कह रहा कि 8 करोड़ उसे क्यों चाहिए होंगे। तो वो कहती कि मुझे नहीं लगता कि 8 करोड़ अब्दुल्ला, मतलब बिलाल अब्दुल्ला देने के बाद उसका यूज़ करेगा, या फिर उनके अंदर इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वो इसे इस चीज़ का डर होता है कि बिलाल अब्दुल्ला की तो उसे इमेज पता है, वो सोच रहा है कि वो सदफ़ का ना यूज़ कर ले, और इसीलिए वो चाहता है वो। लेकिन उसे ये नहीं पता बिलाल अब्दुल्ला तो उसे पसंद करता है, और वही ड्रामे का हीरो उसने ही आना है, मतलब हीरो बनकर ये सदफ़ भी फिर उसे पसंद करने लग पड़ेगी। और लेकिन वो उसका फिर वो मेरा ख्याल इंतकाम लेगा इनसे, कुछ ऐसे ही करेगा सीन। तो बस दोस्तों, यही सुन मेरे दिल एपिसोड का प्रोमो टीज़र भी आपको कैसा लगा अपनी रैम दे जरूर कमेंट में दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।